दोस्तों, देश के प्रति देशभक्ति की आपने बहुत सी कहानियाँ और किस्से सुने होंगे। भारत में कई शूरवीर पैदा हुए जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने देश के तिरंगे और मान को कभी झुकने नहीं दिया। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे ही सेना के सिपाही की बात करेंगे जिनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी वो अपनी ड्यूटी पूरे धर्म और निष्ठा से करते थे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बाबा हरभजन सिंह के बारे में। 30 अगस्त 1946 को जन्मे बाबा हरभजन सिंह 9 फरवरी 1966 को भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। 1968 में वो 23वें पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में सेवारत थे। तकरीबन 4 अक्टूबर 1968 को खच्चरों का काफिला ले जाते वक्त पूर्वी सिक्किम के नाथुला के पास अचानक उनका पांव फिसल गया था और घाटी में गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। पानी के तेज बहाव की वजह से उनका पार्थिव शरीर 2 किलोमीटर आगे की तरफ चला गया था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने मृत्यु की खबर अपने एक साथी के सपने में आकर दी थी, जिसके पश्चात उनके पार्थिव शरीर की तलाश की गई और तकरीबन 2-3 दिन में उनका पार्थिव शरीर मिल गया। कहा यह भी जाता है कि उन्होंने अपने साथी सैनिक के सपने में आकर अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी समाधि बनाई जाए। बाबा हरभजन सिंह जी एक मामूली इंसान थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके नाम की समाधि बनाई गई और एक मंदिर बनाया गया जिसको बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। बहुत से लोगों की श्रद्धा इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है और अक्सर बहुत से श्रद्धालु यहाँ पे बाबा जी के दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि अपनी मृत्यु के पश्चात भी बाबा हरभजन सिंह जी नाथुला के आसपास चीनी सेना की गतिविधियों की जानकारी अपने मित्रों के सपने में आकर देते हैं, जो हमेशा सच साबित होती हैं। और इसी तथ्य के आधार पर उनको मृत्यु के पश्चात भी सेना की सेवा में रखा गया था। उनकी मौत को तकरीबन 48 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। बाबा हरभजन सिंह की आत्मा भारतीय सेना में अपना कर्तव्य निभाती चली गई। बाबा हरभजन सिंह को नाथुला का हीरो भी कहा जाता है। बाबा के मंदिर में बाबा के जूते और बाकी सामान रखा गया है। भारतीय सेना के जवान बाबा के मंदिर की चौकीदारी करते हैं और कहा यह भी जाता था कि रोजाना उनके जूते पॉलिश होते थे, उनकी वर्दी साफ की जाती थी और उनका बिस्तर भी साफ सुथरा किया जाता था। वहां तैनात सिपाहियों का कहना है कि साफ किए हुए जूतों पर कीचड़ भी लगा होता था और उनके बिस्तर पर सिलबटे देखी जाती थी। बाबा की आत्मा से जुड़ी बातें भारत की ही नहीं बल्कि चीन की सेना भी बताती है। चीनी सिपाहियों ने भी उनके घोड़े पर सवार होकर रात में गश्त लगाने की पुष्टि की थी। भारत और चीन आज भी बाबा हरभजन सिंह के होने पर यकीन करते हैं और इसलिए दोनों देशों की हर फ्लैग मीटिंग पर एक कुर्सी बाबा हरभजन सिंह के नाम की रखी जाती है। सारे भारतीय सैनिकों की तरह बाबा हरभजन सिंह को भी हर माह वेतन दिया जाता है। हालांकि कुछ समय पहले ये खबर आई थी कि उनको रिटायरमेंट मिल गई थी। सेना के नियमों के अनुसार ही उनकी पदोन्नति भी की जाती थी और उनको प्रति माह वेतन दिया जाता था। इस तरह की बातों पर भले ही सवाल उठाए जाएं या इसको अंधविश्वास कहा जाए, लेकिन भारतीय सैनिकों का मानना है कि उन्हें यहाँ से शक्ति की अनुभूति होती है। तो दोस्तों, इन सब बातों पर आप भी अपनी सुजेशन और राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।